अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम एक मजेदार स्वीट बनाने लगे और स्वीट का नाम है बर्फी। बर्फी हम बहुत ही आसान और घरेलू अंदाज में बनाएंगे और बिल्कुल परफेक्ट हमारी बनेगी, जिस तरह प्रोफेशनल हलवाई बनाते हैं उस तरह। लेकिन बनाने का तरीका हमारा बहुत ही सादा और आसान होगा। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले एक काम कर लेते हैं, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें और नोटिफिकेशन बेल आपको जाती रहे। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमने हाफ कप मैदा ले लेना है। इसको हम थोड़ा सा देसी घी डाल के भून लेंगे ताकि इसका कच्चा पान दूर हो जाए। इसको हम चूल्हे पे रखते हैं और भूनना शुरू करते हैं। मैदे को हम लो फ्लेम पे थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। इसमें मैं 2 से 3 चम्मच देसी घी के ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप वनस्पति घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मिठाइयों में देसी घी डालने से उसकी टेस्ट बहुत ही मजेदार बन जाता है और बहुत सेहत के लिए भी मुफीद साबित होती है। मैदा हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको हम अलग बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं और मजीद प्रोसेस करते हैं। अब हम इसी पैन में 1/4 कप चीनी में ले रही हूँ, पूरे कप से कुछ कम है, 1/4 कप। इसको हम लेके मेल्ट कर लेंगे। इसको थोड़ी ही देर लगेगी मेल्ट होने में। चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है तो इस तरह ये ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगी। इसके साथ ही हम फटा हुआ दूध डाल देंगे। इस दूध को मैंने थोड़ा सा सिरका डाल के फटा लिया है, खोया नहीं बनाया बल्कि मैंने इसको फटा लिया है और इसका ज्यादातर पानी इसमें से ड्रेन आउट कर दिया है ताकि इसको बनाने में हमें कम टाइम लगे और दूध ड्राई करने में जितना वक्त लगना था वो हमारा बच सके। तो इसको भी हम साथ ही डाल देंगे। दूध मैंने 2 किलो लिया था, 2 किलो दूध फटा हुआ। इस तरह ये देखें, इसका बिल्कुल स्मूथ टेक्सचर है और ये बड़े अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा चीनी और इसको दूध को हमें मिक्स कर लेना। अगर आप फटा हुआ दूध ना इस्तेमाल करना चाहें तो दूध को खुश करते हुए उसमें साथ चीनी शामिल कर लीजिएगा, तब भी उसका टेक्सचर इसी तरह ही आएगा। लेकिन हमने कम वक्त में बनाने के लिए दूध का पानी बीच में से निकाल दिया। जब चीनी का दाना घुल जाए इसमें से चम्मच मुसलसल चलाना है ताकि नीचे से जल ना जाए। इस स्टेज में हम इसको थोड़ी सी खुशबू देने के लिए रोज वाटर डालते हैं। तकरीबन 1/4 कप रोज वाटर इसको हम बीच में डाल देंगे। फ्लेम हम थोड़ा सा तेज कर लेते हैं ताकि चीनी डालने से ये थोड़ा सा पतला हो गया है, इसको जल्दी से खुश किया जा सके। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसमें अपना भुना हुआ मैदा डाल देंगे और मैदा डालने से इसका बाकी जो ये पतलापन है ये दूर हो जाएगा। दूध और चीनी थोड़ा सा हमारा गाढ़ा हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको मजीद गाढ़ा करेंगे। अब हम इसमें अपना मैदा शिफ्ट कर देते हैं और इसको अच्छी तरह बीच में मिक्स कर लेना है। अब
देखिए मैदा अंदर जाने से इसका जो पतलापन था वो फौरन ही सेट होने लग गया। तो इसको अच्छी तरह से स्मूथली मिक्स कर लेना है हमने, बिल्कुल ये बड़े अच्छे से सेट होने लग गए। फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है, ज्यादा तेज आग नहीं रखनी, वरना चूंकि दूध चीनी और मैदा तीनों ही नाजुक चीजें, ये तीनों जल जाएंगे। देखें कितने कम इंग्रेडिएंट से हमने कितनी मजे की बर्फी झटपट बना ली। हार्डली इसको बनाने में मुझे 15 मिनट लगे। बर्फी हमारी बड़े अच्छे से सेट हो चुकी है, इसको अब हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं। देखिए बिल्कुल इसने पैदा छोड़ दिया है। और अच्छा, इस स्टेज पे मैं आपको एक और टिप बता देती हूँ, अगर आपकी बर्फी मटेरियल जो है ये अच्छे तरीके से मिक्स ना हो तो इसको आप चूल्हे से नीचे उतार के थोड़ा सा ठंडा करके इसको हाथ से भी अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मिक्स इसको बड़ी अच्छी तरह से होना चाहिए, बिल्कुल कोई चीज बीच में से अलग ना फेंकती रहे। अब हम इसको चूल्हे से उतार लेते हैं और किसी डिश में इसको सेट कर लेते हैं। कोई भी साफ ही डिश ले लेनी है और उसके अंदर ये मैंने शॉपिंग बैग जो है इसको कट करके यूं रख दिया। इसकी वजह यह है कि इसको जब हम इसमें डालेंगे तो एक तो ये नीचे चिपकेगा नहीं, इसकी बिल्कुल स्मूथ इसकी साइड आएगी, चिपकेगा ये वैसे भी नहीं, अगर शार्पर नहीं लगाएं तब भी ये नहीं चिपकेगा, लेकिन फिर भी इसको मजीद खूबसूरत करने के लिए और स्मूथ करने के लिए हमने नीचे शार्पर लगा दिया। कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले लीजिए, जो भी आपके पास मौजूद हो, पिस्ता, बादाम, अखरोट, काजू, कुछ भी हो सकता है, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे स्प्रिंकल कर देंगे। और थोड़ा सा ऊपर के लिए बचा लेंगे। पूरा हमारा जो मिक्सचर है इसको हम इसके ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। इसको हम इस तरह अच्छी तरह सेट कर लेते हैं चम्मच या स्पैचुला जो भी आपके पास हो उसकी मदद से। इस तरह हमने इसको पूरे बर्तन में फैला के तो अच्छी तरह से इसको यूं चम्मच से प्रेस कर करके तो अच्छी तरह से इसको सेट कर लेना है। और अब जो बाकी हमने पिस्ता बचा के रखा था इसको हम इसके ऊपर यूं डाल देंगे। इस तरह डाल के तो इसको भी हम अच्छी तरह ऊपर प्रेस कर लेंगे। पिस्ता हमने ऊपर अच्छी तरह से जमा लिया। अब हम इसको 1 से 2 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ी सी पीसेस कटने की शेप में आ जाए। अभी ये बहुत नरम है, इसको काटेंगे तो ये टूट जाएंगे। 1 से 2 घंटा हमने इसको फ्रिज में रखना है और फिर हम इसको निकाल के पीसेस काटेंगे। तो मिलते हैं 2 घंटे बाद। हमें बर्फी को फ्रिज में रखे 2 घंटे गुजर चुके हैं और अब मैंने निकाली है तो ये देखिए बहुत ये सेट हो चुकी है और पीसेस की शक्ल में कटने के लिए बिल्कुल मुनासिब है। तो अब हम इसको अपनी मर्जी के पीसेस में काटते हैं। इसको आप किसी भी साइज में, किसी भी शक्ल में आप काट सकते हैं, इस तरह सीधे काटें, तिरछे काटें। तो हम थोड़े से आज तिरछे कटिंग कर लेते हैं ताकि अच्छा सा हमारा डिजाइन बन जाए। ये देखिए बहुत सॉफ्टली कट हो रही है। इसको हम इस तरह बराबर बराबर मार्क कर लेंगे और फिर हम इसको काटते जाएंगे। देखिए बहुत आराम से कट होगी। और ये खाने में भी बहुत शानदार है। बर्फी पीसेस की शक्ल में हमने कट कर ली है। ये देखिए बहुत इजीली ये सारे पीसेस निकलते जाएंगे। आप किसी भी शक्ल में पीसेस काट सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये देखिए बिल्कुल आराम से ये रिमूव हो रहे हैं, क्योंकि हमने नीचे शीट बिछाई थी तो इस वजह से इनमें कोई भी मुश्किल नहीं हुई हमें। किसी भी शक्ल में ट्रायंगल काटें,
रेक्टेंगल काटें, कुकी कटर से आप डिफरेंट शेप दें। मैं सारी निकाल के प्लेट में अरेंज कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बर्फी हमने अरेंज कर ली है प्लेट में, और देखें कितनी खूबसूरत, और खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी बनी है। किसी भी शक्ल में आप पीसेस काट सकते हैं। मैंने इस तरह ट्रायंगल्स काट ली, आप किसी भी शक्ल में अपनी पसंद के मुताबिक काट सकते हैं, कोई इशू नहीं। और ये देखिए, मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखा देती हूँ। ये बहुत ही सॉफ्टली टूट रहा है, बिल्कुल कोई इसमें फोर्स नहीं लगानी पड़ रही। बर्फी जैसा बिल्कुल नरम, जिस तरह बाज़ार की बर्फी होती है, बिल्कुल नरम और बहुत ही आराम से ये टूट रहा है। खाने में तो ये टेस्टी है ही, देखने में भी बहुत ही अच्छी लुक दे रही है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, नन्ना सा कमेंट भी कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी और आसान आसान रेसिपीज लाती रहूं। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।